नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों को। आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फ्रेशर जॉब। फ्रेशर को कितनी यहाँ पे सैलरी मिलती है, जॉब भी मिलती है या नहीं मिलती है दुबई में, अगर मिलती है जॉब तो किसको मिलती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों मैंने काफ़ी सारे वीडियोस पहले भी बनाए थे, आपने देखे होंगे, तकरीबन 400 वीडियोस मैंने दुबई जॉब बेस पर बनाए हैं और मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करता, जो होती है वो सच्ची बातें करता हूँ, ठीक है। आपको भी पता है, जो नए सब्सक्राइबर होंगे वो प्लीज़ मेरे पिछले वाले कुछ वीडियोज़ देख लीजिए, हर टॉपिक पर मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग फ्रेशर जॉब के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। काफ़ी सारे फ्रेशर्स मुझे ईमेल करते हैं, कमेंट करते हैं जॉब रिलेटेड, ठीक है। तो मैं उन सभी को ये बताना चाहता हूँ, एज अ फ्रेशर आपको यहाँ पे कोर जॉब नहीं मिलेगी। कोर जॉब मतलब कौन सी, समझ लीजिए आपने आईटी इंजीनियरिंग की है तो आपको आईटी रिलेटेड कोई जॉब यहाँ पे एज अ फ्रेशर नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग कोई कंपनी में जॉब यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर आपने कोई आईटी डिप्लोमा किया है कुछ भी इस तरीके से, या आपने अभी भी बीकॉम पास आउट किया है, आपको कोई अकाउंटेंट की जॉब चाहिए तो आपको वो दुबई में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो क्यों नहीं मिलेगी और मिलेगी तो कैसे मिलेगी, इसके ऊपर आज बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे दुबई में फ्रेशर्स को इतना स्कोप नहीं है कोर जॉब्स के लिए, ठीक है। एज अ फ्रेशर आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्स जॉब मिलेगी। सेल्स जॉब मतलब कुछ सामान बेचना, बाहर जाके इंडोर आउटडोर सेल हो सकता है या ऑफिस में बैठ के आप सेल्स कर सकते हो। हाँ, अगर आप आईटी से हो तो आप हार्डवेयर सेल्स में काम कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में काम कर सकते हो, इस तरीके से आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। मगर कोर जॉब अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। अब आप पूछेंगे, सर मैंने अभी इंजीनियरिंग पास आउट की है तकरीबन 6 महीने पहले, 1 साल पहले, या अभी की है, मैं फ्रेशर हूँ, अगर मुझे दुबई में जॉब चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ये सभी के लिए, इवन आपने बीकॉम किया है, शायद किसी ने एमकॉम किया होगा, किसी ने एमबीए किया है, किसी ने बीए किया है, किसी ने बीएससी किया है, किसी ने बीई की है, तो हर किसी को मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आपका एजुकेशन कम्प्लीट होता है आपने दुबई उसी टाइम नहीं आना है। आप दुबई आ सकते हो मगर अगर आपको सेल्स जॉब करनी है तो आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोर जॉब चाहिए, आपकी फील्ड की जॉब चाहिए तो आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। दोस्तों विदाउट एक्सपीरियंस दुबई में कोई स्कोप नहीं है, कोई आपको नहीं लेगा, ठीक है। आपको तभी कोई बंदा ले सकता है जब उसकी कोई रिलेटिव यहाँ पे बैठा हो, लाइक भाई हो आपका या आपके कोई चाचा हो, इस तरीके से अगर है तो आप उस कंपनी में कर सकते हो, एज अ फ्रेशर भी वो लोग ले लेंगे क्योंकि आप रिलेटिव्स होते हो, ठीक है। मगर आप ओपन मार्केट में इस तरीके से बाहर जाते हो तो एज अ फ्रेशर आपको कोई भी डिमांड नहीं है। किसी भी बहकावे में मत आइए, काफ़ी सारे आजकल इंडिया में स्कैम्स होते हैं, काफ़ी सारे, मैं एक्चुअली इन झंझट में पड़ता नहीं हूँ, एक्चुअली मुझे काफ़ी सारे मेल्स भी आते हैं, तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ प्लेसमेंट कंपनी चाहती है, वो बोलती है दुबई में आपको जैसे ही पास आउट होंगे आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, मैकेनिकल फील्ड में मिल जाएगी, लोगों से वो तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये लेते हैं, और मतलब इस तरीके से बड़े बड़े स्कैम होते हैं। तो मतलब आपने ये दिमाग में बात रख लेनी है, अगर आपको दुबई जॉब करना है, अगर आपको कोर फील्ड में ही जॉब करना है, आपकी फील्ड में करना है जॉब, तो आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। 1 साल दिल लगाकर इंडिया में काम कीजिए, काम करने के बाद आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, यहाँ पे आपको जॉब भी मिल जाएगी। इसमें 2-3 बातें होती है दोस्तों, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको काम पता होता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, काम पता होता है, मेंटली आपको टेंशन नहीं रहता है। फ्रेशर को क्या होता है दिमाग में, ये होता है क्या होता है वहाँ पे। अब मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे फ्रेशर्स को क्यों स्कोप नहीं है कोर फील्ड में या कोर जॉब। दोस्तों
यहाँ पे ज्यादातर कंपनियों में क्या होता है पता है, ट्रेनिंग ये दिया नहीं जाता है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको झट से जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग का फंडा ही ज्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे जैसे ज्वाइनिंग होता है, आपको कंप्यूटर लेंगे, ट्रेनिंग बस ये बात की होगी आपकी, ये फाइलें यहाँ पे रखी, ये फाइलें यहाँ पे रखी है, ये मेल से ये मेल्स यूज करने हैं, आपको कुछ डेटाबेस पहले का चाहिए तो या इस फाइल में पड़ा है, ठीक है। बाकी आपको काम रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी इतना ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, क्योंकि बंदे को पहले से ही पता होता है, ठीक है। इसलिए फ्रेशर को यहाँ पे स्कोप नहीं है, तो दिमाग में बात रखिए। और अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप कोर फील्ड में ही जॉब अगर करना चाहते हो, तो आपने एक्सपीरियंस लेना है इंडिया में, 1-2 साल अच्छे से एक्सपीरियंस लीजिए। एक्सपीरियंस मतलब टाइम पास नहीं करना दोस्तों, अच्छे से काम को सीखिए, एक्सपीरियंस लेटर अपने साथ रखिए। काम को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं होगा तो भी चलेगा, मगर काम सीखना, काम को आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से मैं काफी सारे और भी वीडियोस बनाऊंगा, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो मेरे पिछले वाले वीडियोस जरूर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं इसी तरीके से काफी सारे वीडियोस आगे बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।